अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तनवीर। नोबल बाजार अनबॉक्सिंग की तरफ से लेके आए हैं हम आपके लिए एक नया फोन, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। वो है फोन सैमसंग का A03। ये गाइस ये फोन है जो कि नया फोन लॉन्च हुआ है, जो कि 4GB रैम है और 128GB इसकी रोम है। फोन अच्छा है, चले फोन आपको दिखाते हैं गाइस और फिर आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन भी बताते हैं। बहुत ही जबरदस्त फोन है, सैमसंग ने ये न्यूली लॉन्च किया। चले तो गाइस फोन को करते हैं ओपन और आपको दिखाते हैं फोन कैसा है। तो फोन की हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, तो फिर आपको इसके फीचर बताएंगे कि फोन कैसा है। तो गाइस ये हो गया फोन अनबॉक्स। फोन अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बता देते हैं इसके साथ क्या है। ये एक पेपर वर्क है जिस पर लिखा है डिवाइस की तस्दीक, तो इससे ये चेक कर लेना चाहिए कि फ़ोन जो है वो PTA से तस्दीक शुदा हो। और उसके साथ ये माइक्रो USB दी गई है चार्जिंग पोर्ट के लिए, तो इसकी माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है। उसके साथ ये इसका चार्जर दिया गया है, जो चार्जर है वो है 7.7 वाट का। तो ये गाइस ये 7.7 वाट का इसका चार्जर है, तो जाहिर है ये फास्ट चार्जर तो नहीं होगा, लेकिन चार्जिंग से लिहाज से ज़बरदस्त आत्मिक पिन है। और इसके साथ ही हैंड फ्री तो नहीं है, हमने बॉक्स को पूरी तरह ओपन किया लेकिन हैंड फ्री इसमें नहीं है, तो कवर भी नहीं है, खुद से बाई करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं फ़ोन की लुक, दिखा देते हैं आपको कैसी है गाइस। तो ये इससे इसकी लुक है, तो ये गाइस बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। 2 कैमरे इसमें, जो बैक कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का, साथ में एक 2 मेगापिक्सल कैमरा है, साथ में LED फ्लैश है। और उसके अलावा गाइस जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। तो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और फिर बाकी फीचर्स आपको बताते हैं, तब तक हम इसका सेटअप ऑन कर लें और फिर आते हैं दोबारा। चलिए तो गाइस हो गया फोन हमारा ऑन। तो ये है फोन की लुक, जिसका जो डिस्प्ले LCD का वो बहुत ही जबरदस्त है। तो ये देख लें, आपको इसकी लुक दिखा देते हैं। माइक्रो USB दी गई है, साथ में स्पीकर है, हैंड फ्री जैक है, डुअल कैमरा है, फिंगरप्रिंट्स में नहीं है। सैमसंग के यूज़र के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ोन है। अगर आप कोई भी यूज़र जो कस्टमर है वो सैमसंग का फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो ये फ़ोन उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो रैम है वो 4GB है, 64GB इसकी मेमोरी है। तो जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 है। कैमरा आपको इसका चेक करा देते हैं, कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि इसका कैमरा जो है वो है 48 मेगापिक्सल। तो ये देख लें, ये इसका कैमरा रिजल्ट है, अच्छा कैमरा रिजल्ट है। वो इसका जो जूम एक्स है वो 10x है, तो इसमें जूमर भी दिया गया है। उसके बाद इसमें जो आपको दिखा देते हैं पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, ये देखिए पोर्ट्रेट मोड इसका अच्छा है। जिस हिसाब से इसकी प्राइस है, 24,000 इसकी प्राइस है, 4GB रैम 64GB मेमोरी में, तो ये फीचर्स में काफ़ी ज़बरदस्त दिए गए हैं। तो कुछ यूज़र हैं जो वो कहते हैं सैमसंग के ही फ़ोन लेना है, तो उनके लिए ये डिवाइस अगर प्राइस के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइज इसके फीचर आपको बताए हैं, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। उसके बाद इसका जो एंड्रॉयड 11 है, उसके बाद जो इसका वेट है वो 196 ग्राम है। तो इसमें 3 कलर हैं, ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर है। तो 4G फ़ोन है, तो इसकी स्लॉट भी चेक कर लेते हैं कि इसकी स्लॉट कैसी है। तो ये पिन उन्होंने दी है, तो गाइज इसको चेक कर लेते हैं कि स्लॉट में डुअल सिम है, प्लस SD कार्ड है या क्या सीन है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं जी गाइस। तो ये डुअल सिम है प्लस मेमोरी कार्ड है, जो इसका मेमोरी कार्ड है वो 1TB सपोर्टेड है, यानी 1000GB का इसमें आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो डुअल सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड भी की भी इसके अंदर फैसिलिटी है। तो जो इसका साइज़ है डिस्प्ले का वो है 6.5, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 720 है, तो PSL LCD के साथ दी गई है, ज़बरदस्त है। उसके बाद जो इसमें माइक्रो SD आपको बताया वो लग सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियोज़ बनाने के लिए या आप कुछ भी कैप्चर करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। उसके बाद जो इसमें जो फेस डिटेक्शन है, फिंगरप्रिंट नहीं है। इस फोन में फिंगरप्रिंट अगर दे देते तो बेस्ट था, लेकिन चलिए कंपनी ने नहीं दिया, इसके बाद वाले मॉडल में देना होगा। इसमें 2 वेरियंट है इसका, एक तो 3GB रैम का है और 32GB मेमोरी में है, और जो एक वेरियंट है जो हमने इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा रहे हैं वो 4GB रैम और 64GB मेमोरी में है। उसके बाद इसमें जो इसका फ्रंट ग्लास है, ज़बरदस्त है, ग्रीला ग्लास लगाया गया है। जो बैक है वो प्लास्टिक ही है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, लुक वाइज तो ठीक है फ़ोन। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 5000mAh, तो 5000mAh बैटरी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त। चार्जेस का 7.7 वाट है, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन बैटरी टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सैमसंग फ़ोन को या तो सेकंड फ़ोन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या वो यूज़र जो जिनको सिर्फ सैमसंग का फ़ोन ही पसंद है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फ़ोन की आपको लुक दिखाई है,
बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इस प्राइस में, क्योंकि डॉलर की जिस तरह प्राइस बढ़ रही है, पता है आपको एक महंगाई के दौर में अगर ये जो कंपनी ने दिया ये भी उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी में आपको ये 24,000 में फ़ोन मिल रहा है। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है 3 GB 32 GB वो आपको मिलेगा 22,000 में। तो दोनों वेरिएंट ज़बरदस्त हैं, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है। उसके अलावा इसमें एक तो और भी चीज़ है वो आपको चेक करवा देते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 है, तो स्पीड भी आपको इसकी चेक करा देते हैं। तो ये गाइस इसकी स्पीड भी इसकी ठीक है, लुक वाइज भी प्यारा है। इसका एंड्रॉयड वर्जन अपडेटिंग भी आई हुई है 12 पे, ये जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। तो गाइस ये फ़ोन है, फ़ोन को हमने आपको दिखा दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, फ़ोन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हम आपको फ़ोन के हर वो फीचर बताएंगे जो ठीक हैं या नहीं। इसके अपोजिट में 2-3 फ़ोन है जिसकी प्राइस सेम है, लेकिन जो यूज़र सैमसंग के होते हैं वो फ़ोन हमेशा सैमसंग का ही लाइक करते हैं। तो इस हवाले से अगर इस डिवाइस को देखा जाए तो ये यूजिंग के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त है। बैटरी टाइमिंग की आजकल बहुत डिमांड है, 5,000 इसमें बैटरी है, बैटरी टाइमिंग जो इतनी है उस हिसाब से ये तकरीबन 2 दिन चल जाएगी। और बाकी इसका जो कैमरा है वो भी 48 MP है, क्लिकिंग के लिए पिक क्लिक के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बाकी हमने आपको फ़ोन दिखा दिया है, अगर ये फ़ोन आपको पसंद आए तो ज़रूर लीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ओके जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह निगहबान।